PSC3 मॉडल है। आप इसमें जो है माइक्रोवेव पूरी मशीन को बोलते हो, लेकिन माइक्रो फंक्शन एक होता है, बाकी तीन फंक्शन अलग होते हैं, चार फंक्शन है। माइक्रोवेव फंक्शन में आप खाना गर्म कर सकते हो, खाना पका सकते हो। दूसरा फंक्शन ग्रिल का होता है, उसमें क्रिस्पी होता है। तीसरा कन्वेक्शन बेकरी आइटम के लिए, चौथा कंबाइन होता है। हम सबसे पहले माइक्रोवेव बता रहे हैं। माइक्रोवेव पे आप बर्तन प्लास्टिक बोरोसिल चीनी मिट्टी के रखोगे, स्टील का दो चाय हमने रख दी इसके अंदर। रखने के बाद प्लग वहाँ से खोलेंगे और डायरेक्ट यहाँ पे स्टार्ट एक्सप्रेस कुकिंग का बटन है, इसको हम दबाएंगे। 30 सेकंड में आपकी एक कप चाय गर्म हो जाएगी, तुरंत चालू हो जाएगा। तो आपको चाय गर्म करनी है तो एक कप के लिए 30 सेकंड है। इसी तरह से आपने सब्जी चावल दाल कुछ ज़्यादा मात्रा में रखा है, इसको आप टाइम बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना खाना गर्म करना है कुछ भी, उसको आप गर्म करने के लिए टाइम यहाँ बढ़ा सकते हैं, ये भी 10 मिनट तक बढ़ सकता है। तो इस तरह से आपका खाना गर्म होगा। अब इसी में आपको दूसरा फंक्शन है माइक्रोवेव पे खाना पकाना। पकाने के लिए आप जो है इसमें वो लेंगे, बाउल लेंगे, बर्तन प्लास्टिक के रखेंगे, बोरोसिल चीनी मिट्टी का। आपने हमेशा पकाना है तो बाउल आधा खाली रखना है। तो बाउल में आप चावल रख लें, पानी रख लें और डालने के बाद आधा खाली रहे। 100 से 150 ग्राम चावल के लिए आपको 15 से 16 मिनट लगेगा। ये हम करेंगे क्या, हमने रख लिया चावल, माना रख दिया इसमें जी। इसके अंदर हमने दबाया माइक्रो पावर लेवल, ठीक ओके। अब यहाँ से हमने टाइम देंगे, ये 10-10 मिनट करके 9 बार टाइम बढ़ेगा, 90 मिनट चलेगा। एक एक करके 9 बार टाइम बढ़ेगा, 9 मिनट तक चलेगा। 10 यहाँ से कर देंगे, एक एक करके हम यहाँ से 6 कर देंगे, 16 मिनट हो गया। स्टार्ट कर, अब ये स्टार्ट काम कर रहा है, दो बटन है ना, एक्सप्रेस कुकिंग खाना गर्म के लिए स्टार्ट भी है। तो इस तरह से आपका चावल 16 मिनट पक जाएगा। अगर आप ढक्कन रखेंगे तो हल्का सा खोल के, ढक्कन नहीं रखेंगे तो 20 मिनट लगेगा पकने में। तो पकाने काम सारा माइक्रोवेव पे आप करेंगे, ठीक है। ये माइक्रोवेव फंक्शन हुआ। अब आपका दूसरा फंक्शन ग्रिल का होता है। ग्रिल पे आप वो काम करोगे, जैसे कि आप बाजार से समोसे लाए हैं और समोसे लाए हैं तो समोसे अगर माइक्रोवेव पे रख देंगे तो मुलायम हो जाएंगे, गर्म जल्दी होगा नहीं मुलायम हो जाएगा। तो ग्रिल पे रखेंगे तो क्रिस्पी होगा। जो चीज़ आपको क्रिस्पी करनी हो, कुरकुरी करनी हो, ग्रिल पे करेंगे। उसके लिए क्या करना है आपको, समोसे ला के इस पर रख देंगे, जैसे जाली पे, ये स्टील की जाली है। ग्रिल फंक्शन पे कोई भी प्लास्टिक के बर्तन नहीं रखेंगे। इसमें रखने के बाद समोसे रख देंगे। अगर आपकी दाल मोट नम हो गई, बिस्किट नम हो गई, तो उसको स्टील की प्लेट में फैला के रख सकते हो। पहले माइक्रो मना किया, मैं रखना नहीं है, अब ग्रिल पे आप प्लास्टिक नहीं रखोगे। रखने के बाद यहाँ से दबाएंगे ग्रिल, हम एक ग्रिल फंक्शन दबा दिया। दबाने के बाद यहाँ से टाइम देंगे 5-7 मिनट का और यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है इसमें समोसे, जलेबी, दाल मोट जो भी आइटम रखेंगे वो क्रिस्पी होगा। तो अब 2 मिनट चलने के बाद डोर खोल के एक बार वो सामान है हम पलट देंगे, समोसा है पलट देंगे, दाल मोट चम्मच चला देंगे, स्टार्ट टाइम वहीं पर रुका जाएगा, स्टार्ट कर देंगे। इसी तरह से आपको 6 मिनट के बीच में 2 बार करना है, आपकी वो चीज़ क्रिस्पी हो जाएगी। तो इस तरह से वो चीज़ें आप क्रिस्पी कर सकते हो, ठीक है। तो ये ग्रिल के लिए है। ग्रिल में 2 जाली है, इसमें ऊंचा सामान आएगा, इसमें छोटा आएगा। अब तीसरा फंक्शन कन्वेक्शन का होता है बेकरी आइटम के लिए, केक, बिस्किट, बन, नान, खटाई, इसके लिए है। ये आपकी रखी, ये जो ट्रे दी गई है, इस पर आप बिस्किट, नान, खटाई तैयार करके रख लें। केक आपको बनाना है तो एलुमिनियम के बाउल में केक को तैयार करके रख लेंगे। रखने के बाद हम दबाएंगे यहाँ से कन्वेक्शन, ठीक है। ये कन्वेक्शन बटन दबाया, यहाँ से हम जो है टेम्परेचर ही इसी से बढ़ेगा, ये बढ़ा रहे हैं 180 डिग्री किया, लगभग इसी पे पकता है और प्री हीट होता है। यहाँ से डायरेक्ट स्टार्ट कर देंगे, मतलब 180 डिग्री देने के बाद डायरेक्ट स्टार्ट दबाएंगे। आधे घंटे के लिए लग गया है, लेकिन चलेगा उतनी देर जब तक कि इसमें टेम्परेचर 180 मेंटेन नहीं होगा। जैसे ही होगा ये बिप करेगा, टिटी टिटी बार बार बोलेगा। बोलने के बाद आप डोर खोल दोगे और इसको कैंसिल कर दोगे पहले वाला प्रोग्राम। बिस्किट नान कढ़ाई तैयार है तो इसमें रख दोगे, केक का बाउल अगर तैयार किया तो इसमें रख दोगे शीशे डिब्बे पे। फिर यहाँ से हम करेंगे 180 इसी को पकाने के लिए। और यहाँ से हम टाइम देंगे 10, 20, 30 और ये 35। 35 मिनट इसलिए हम दे रहे हैं क्योंकि केक हमारा 350 ग्राम से कम नहीं पकेगा। तो इस तरह से आप केक पकाएंगे और केक पक रहा हो, जब 25 मिनट चल जाए, लास्ट का 10 मिनट रह जाए, तो एक बार डोर खोल दीजिएगा और चाकू उसमें डिप करके देखिएगा। चाकू सूखा निकला तो पक गया, अगर चिपक रहा है तो नहीं पकेगा, फिर दोबारा स्टार्ट कर देंगे। तो इसलिए आगे पकने के लिए तैयार हो जाता है। तो इस तरह से आप इसमें केक, बिस्किट, नान कढ़ाई बना सकते हैं। अब बिस्किट नान कढ़ाई के लिए आपको क्या करना है, 10 मिनट का टाइम देना प्री हीट होने के बाद। 8 मिनट पर खोल के चेक कर लेंगे, तैयार है तो आप जो है निकाल लेंगे, नहीं तैयार है तो बंद करके फिर से स्टार्ट करेंगे, आगे 2 मिनट टाइम बढ़ जाएगा।
जिस तरह से आपका बिस्किट नान खटाई केक या आपका कन्वेक्शन बनेगा। अब एक चौथा फंक्शन है कंबाइन। अगर आप पनीर टिक्का रोस्टेड मुर्गा ये सब खाते हैं तो उसके लिए आपको खाते हैं नहीं, हम भी नहीं खाते हैं भाई, इसलिए खाते हैं तो बोल रहे तो बोलना पड़ता है ना, तो इसलिए इस पर आप पनीर टिक्का रखिए, कबाब रखिए वेज, और रखने के बाद तो हम इसके अंदर रख देंगे। रखने के बाद आप यहाँ से दबाएंगे, ये आपको दिया हुआ है माइक्रो प्लस कन्वेक्शन, इस पर ही पकेगा, लेकिन ये जो चिमड़ापन होता है माइक्रो प्लस ग्रिल पे, इससे सॉफ्ट बनता है। इसको आप दबा देंगे 200 डिग्री करेंगे, 30 मिनट का टाइम देंगे, स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरह से बेटा पीछे हट जाता, चेहरा भी हमारा आ जाए थोड़ा सा, है तो इस तरह से आप जब स्टार्ट कर देंगे तो ये आपका पनीर टिक्का पक रहा है। जब पनीर टिक्का जब आपका पक रहा है तो इसमें बीच में 15 मिनट बाद जोर खोल के आप पलट देंगे, टाइम वहीं रुका रहेगा, पलटने के बाद फिर से स्टार्ट कर देंगे। और बाय द वे अगर रोस्टेड मुर्गा लोग खाते हैं तो यही काम उनको 5-6 मिनट पे करना होता है, 5-6 मिनट पे खोल के तो घुमाते हैं थोड़ा सा, फिर बंद करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, इसलिए 5-6 बार करना पड़ता है 5-6 मिनट पे। तो इस तरह से ये आपके आइटम पक जाते हैं। ये तो चार फंक्शन हो गए। अब आपको हम अलग से जो बटन दिए हुए हैं उनके बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्लीन, ये आपका माइक्रो प्लस ग्रिल कन्वेक्शन माइक्रो, ये तो सारा हो गया आपका। यहाँ पे कीप वार्म दिया हुआ है। कीप वार्म है क्या, जैसे आप अपने गैस पे कोई सामान बनाया भगोने में या पतीले में, वो आप सब्जी चावल दाल कुछ बनाया, जितना गर्म गैस पे इसके अंदर रख दें, आ सकता है तो रखिए, रखने के बाद इसको दबा के कीप वार्म स्टार्ट कर देंगे तो आपका वो आइटम उतना ही गर्म बना रहेगा जितना आपका गैस पे है। इसी पे आप अपना दही भी जमा सकते हैं, इसी को दबाएंगे और दही रख सकते हैं, ठीक है। अब यहीं पे आपका दिया हुआ है ये ऑटो मेनू दिया हुआ है। ऑटो मेनू में क्या है, वेज पिज्ज़ा आपको बनाना है, वेज पिज्ज़ा के लिए आपको क्या करना है कि आप पिज़्ज़ा बाजार से आता है रेडी करके इस पर रखेंगे ऊंची जाली पे, अंदर रख देंगे, रखने के बाद वेज पिज़्ज़ा दबाएंगे, ये वजन बता रहा है 150, 300, 450। यहाँ पे जो सारा खेल है ऊपर का, ये वजन के हिसाब से होगा, जितना वजन कहेगा उतना ही रखना है आपको। रखिए और स्टार्ट कर दीजिए, वो अपने आप पक जाएगा उतने टाइम में, वजन आपको रखना है जितना कह रहा है। यहीं पे आपका दिया हुआ है ये पॉपकॉर्न 100 ग्राम बोरोसिल के बाउल में पॉपकॉर्न रखना है, और रखने के बाद स्टार्ट कर देंगे, आपका टाइम वो ले लेगा और पक जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे आपका दिया हुआ है ऑयल फ्री कुकिंग। इसमें आप जो भी आइटम रखेंगे इसके अंदर एक बार दबा के स्टार्ट कर देंगे, H1 पे वो लाइट ब्राउन बनेगा ऑयल फ्री। इसी को आप दो बार दबा देंगे H2 में तो आपका डार्क ब्राउन बनेगा। तो ये आपका उसके लिए हुआ। यहीं पे आपका दिया हुआ बेबी मिल्क, बच्चे का दूध है 100 ग्राम 120 140 ये जो भी वजन आपके शीशी का है, बस स्टार्ट कर दिए, वो अपने आप टाइम ले लेगा। तो यहाँ पे जितना भी है, यहाँ केक भी दिया हुआ है 475 ग्राम बनेगा, स्टार्ट कर दीजिए। ये सारा टाइमिंग इसी में फिक्स है, वजन आपको इसी के हिसाब से रखना है। ये तो हुआ माइक्रोवेव का आपका जो आपको बताना था हमने बताया। अब इसके लिए इसमें सफाई के लिए विशेष जरूरी है कि आपको इसका क्लीनर आता है, दो चीज़ें आती हैं, एक हाई लो कट आता है वो 1465 रुपए का है, उसको आप अगर लगाते हैं तो आपके माइक्रोवेव में पावर कम है तो भी माइक्रो नहीं चलने देगा, अगर हाई है तो भी आपका माइक्रो नहीं चलेगा, बीच में रहेगा तो आपका माइक्रो सेफ रहेगा। अगर वो भी अगर आपका पावर पूरे एरिया में बढ़ जाता है तो उसका खूबी कि वो खुद बंद हो जाएगा, जब बंद हो जाएगा तो आप उसको 3 सेकंड तक दबाए रहेंगे बटन, और उसमें जब सेंस कर ले कितनी लाइट है तब उसको भेजेगा, एक तो वो चीज़ है। और दूसरा माइक्रो क्लीनिंग है, क्लीनिंग के लिए क्लीनर आता है 220 रुपए का, उस क्लीनर से आप साफ करते रहें, फूड ग्रेड होता है, कॉलिन जैसी चीज़ नहीं होती, वो केमिकल होता है, वो फूड ग्रेड होता है, आप इसके अंदर सफाई करेंगे उससे तो आप माइक्रो में कभी जंग नहीं लगेगा और उसकी लाइफ बढ़ी रहेगी, जैसा साइनिंग कर रहा है ऐसा ही रहेगा, वो फीड फूड ग्रेड है, आप वो ले सकते हैं 220 का है, ये इसकी ज़रूरत है, लेना चाहिए आपको।